नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नागरिक सुविधा दिवस से लौटी महिला ने एलडीए वीसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण में बीते मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें गोमती नगर में बने नेहरू एनक्लेव की समस्या को लेकर एक महिला एलडीए पहुंची, लेकिन उसकी फरियाद सुनने के बजाय महिला को नागरिक सुविधा दिवस के कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता के मुताबिक मंगलवार को जनसुनवाई के तहत उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण इंद्रमणि त्रिपाठी से मिलकर उसने अपनी कॉलोनी की समस्या के बारे में बताया तो एलडीए उपाध्यक्ष ने लताड़ लगाते हुए महिला को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पीड़िता ने जब अपनी कॉलोनी की समस्या को बताया तो जवाब में एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि सारा पैसा G20 में खर्चा हो गया। झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा घर फन के पीछे बना रखा, हमारे घर के आगे कूड़ा नगर निगम डालता है और हमको आज धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ पर चली आती हैं, क्या हम खाली बैठे हैं या पिकनिक बनाने आते हैं? कोई सुनवाई हमारी किसी चीज की नहीं सुन रहे हैं। क्या दीवार बनाने से पार्क का सौंदर्यकरण हो जाता है? क्या बच्चों के झूले नहीं लगते? 18 साल से इस कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं और 804 फ्लैटें और आवंटियों को अपने जो जो वादे एलडीए द्वारा किए गए थे उनके लिए दौड़ते दौड़ते सभी लोग थक चुके हैं, पर केवल आश्वासन मिलते रहे, कोई कार्य नहीं कराया जा रहा। इस कॉलोनी को विवादित नाम देकर सारी जिम्मेदारियों से प्राधिकरण बच रहा है और आज तो उनकी बदजुबानी की हद हो गई जब उन्होंने मेरे अवैध रूप से रह रहे आवंटी जिसका लेखा जोखा एलडीए के पास नहीं है और बिल्डिंग बार बार गिर रही है, उसके लिए मैंने कहा डीएम साहब को कि इस बिल्डिंग को आप देख लीजिए। तो उनका कहना है कि 9 लोगों को हमने नोटिस जारी कर दिया है और आप यहाँ डिक्टेटरशिप करने आती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि एक आम नागरिक होते हुए समस्या और दुर्घटना के प्रति सचेत करना क्या डिक्टेटरशिप है? अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।